हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विलियम कॉलिंस द्वारा लिखी गई एक पोयम ओड टू सिंप्लिसिटी। अब इस पोयम के टाइटल में ओड का मतलब है कोई कविता या फिर गीत, और सिंप्लिसिटी का मतलब है सरलता, यानी कि ये सरलता को डेडिकेट की गई एक पोयम है। ओड टू इवनिंग की ही तरह ये भी कॉलिंस की मोस्ट फेमस एंड फाइनेस्ट पोएम्स में से एक है, और उनके कलेक्शन ऑफ पोएम्स ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट्स का एक पार्ट है। दोस्तों, ओड टू इवनिंग पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इस पोयम को समझना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर गिवन है, तो आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कॉलिंस ने इस पोयम को बाकी पोएट्स के लिए एक अपील के रूप में लिखा था कि वो पोइट्री में हाईफाई डिक्शन, डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज ना करें और पोयम्स को बिल्कुल सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में लिखें, ताकि कॉमन लोग जो शायद ज्यादा एजुकेटेड नहीं भी होंगे वो भी उनकी पोयम्स को बहुत आराम से पढ़ सके, उन्हें इंजॉय कर सके बिना किसी दिक्कत के। तो इस पोयम को सिंप्लिसिटी यानी कि सादगी को ही एड्रेस किया गया है। दोस्तों, ये पोयम टोटल 9 स्टैंजास में लिखी गई है। पोएट अपनी पोयम में सरलता की देवी का आवाहन करते हैं और सिंप्लिसिटी को एक सुंदर और बहुत शालीन शांत लेडी के रूप में परसोनिफाई करते हैं। दोस्तों, कॉलिंस सिंप्लिसिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन उनके जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे वो सिंप्लिसिटी को बिल्कुल भूल चुके थे, उसे खो चुके थे। तो इस पोयम के माध्यम से कॉलिंस उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी पोयम्स में सिंप्लिसिटी को वापस लेकर आएं। तो चलिए करते हैं अपनी पोयम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू। तो लाइनें हैं, वी हैव द फर्स्ट स्टैंजा ओवर हियर। ओ दाउ बाय नेचर टॉट टू ब्रीद हर जेन्युइन थॉट इन नंबर्स वार्मली प्योर एंड स्वीटली स्ट्रॉन्ग हु फर्स्ट ऑन माउंटेन्स वाइल्ड इन फैंसी लवलीएस्ट चाइल्ड thy babe and pleasures nursed the powers of song। दोस्तों, यहां पर दाउ का मतलब है यू, यानी कि तुम या फिर तुम्हें। नंबर्स का मतलब है सॉन्ग या फिर पोइट्री। फैंसी का मतलब है कल्पना। बेब का मतलब है बच्चा और प्लेजर्स का मतलब है आनंद। तो पहले स्टैंजा में पोएट सिंप्लिसिटी को एक देवी के रूप में एड्रेस करता है। वो सिंप्लिसिटी को स्वीट, नेचुरल और जेन्युइन कहकर एडमायर करता है। द पोएट सेज कि सिंप्लिसिटी को नेचर यानी कि प्रकृति ने मौलिक विचारों और पवित्र भावनाओं को कविता में अभिव्यक्ति देने के लिए यानी कि एक्सप्रेशन देने के लिए शिक्षित किया है। बेसिकली सिंप्लिसिटी पोएट्स को अच्छी थॉटफुल पोएम्स लिखने के लिए इंस्पायर करती है। यहां शायद पोएट ये कहना चाहता है कि पोएट के माइंड में सिंपल लैंग्वेज में जो भी विचार आते हैं वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही मधुर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर फुल ऑफ वॉर्म्थ। आगे पोएट कहते हैं कि सरलता रूपी देवी ने जंगली पर्वतों पर गाना गाने और पोएम्स लिखने की शक्ति का विकास किया। बेसिकली पोएट्स को सिखाया कि वो अपनी इमेजिनेशन को यूज करें और थॉटफुल पोएम्स लिखें अबाउट नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में थॉटफुल पोएम्स लिखें। तो पोएट कहता है कि इमेजिनेशन या फिर कल्पना में सिंपल लैंग्वेज में पोएट्स के माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो बहुत सुकून देते हैं, आनंद देते हैं। और यहां अगर आप लास्ट लाइन को पढ़ेंगे, thy babe and pleasures nursed the powers of song, इन लाइनों में पोएट इन सुकून देने वाले थॉट्स को सिंप्लिसिटी और प्लेजर के बच्चे के रूप में डिस्क्राइब करता है और कहता है कि इन थॉट्स से बहुत ही सुंदर पोयम की रचना हो सकती है अगर इन्हें सरल भाषा में एक्सप्रेस किया जाए। तो जब ये थॉट्स
सिंपल लैंग्वेज में पोयम के रूप में एक्सप्रेस किए जाएंगे तो ये जेन्युइन पोएट्री लवर्स को बहुत पसंद आएंगे। अकॉर्डिंग टू पोएट, एंशियंट ग्रीक पोएट्स बहुत ही सिंपल स्टाइल में पोएट्री लिखा करते थे और इसीलिए हमारा पोएट भी चाहता है कि उसकी पोएट्री में भी ऐसी ही सरलता आ जाए। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टैंजा की तरफ। दाओ हु विद हर्मिट हार्ट डिसडेंस्ड द वेल्थ ऑफ आर्ट एंड गॉड्स एंड पेजेंट वीड्स एंड ट्रेलिंग पाल बट कम्स अ डिसेंट मेड इन एटिक रोब अरेड ओ चेस्ट अनबोस्टफुल निम्फ टू दी आई कॉल। इस स्टैंजा में हर्मिट का मतलब है साधु या फिर संत और डिसडेंस्ड का मतलब है नापसंद करना या फिर नफरत करना। गॉड्स का मतलब है शोई ऑर्नामेंट्स या फिर भड़कीले कपड़े। पेजेंट का मतलब होता है झांकी और वीड्स का मतलब यहां पर है किसी विडो का ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस। तो बेसिकली पेजेंट वीड्स का मतलब शायद किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट से है। ट्रेलिंग का मतलब है लूजली हैंगिंग और पाल का मतलब है कोई घूंघट या फिर कोई पर्दा। अटीक रोब का मतलब है अटारी या फिर टांड पर रखा हुआ कोई सिंपल सा ड्रेस और अरेड का मतलब है ऐसे ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाना। चेस्ट का मतलब है शांत या फिर शालीन। अनबोस्टफुल का मतलब है डींगे ना मारने वाली और निम्फ का मतलब है अप्सरा। तो पोएट कहता है कि सरलता की देवी का दिल एक साधु के दिल की तरह बहुत ही सिंपल है। उसे इस दुनिया की चमक धमक नहीं पसंद। सिंप्लिसिटी को ना तो हैवी ज्वेलरी गॉडी यानी कि भड़कीले कपड़े शोई चीजें पसंद है और ना ही बहुत ज्यादा सजना सवरना लूजली हैंगिंग रोब्स यानी कि पोशाकें पहनना पसंद है जो कि अक्सर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देखने को मिलता है। वो तो ग्रीक के एथेंस के सिंपल कपड़ों को पहनकर ही खुश हो जाती है। तो पोएट सिंप्लिसिटी का आवाहन करता है कि वो आकर उसकी पोइट्री की शोभा बढ़ाए क्योंकि सरलता की देवी एक बहुत ही शांत बहुत ही शालीन अप्सरा की तरह है जो बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारती है। उसमें कोई ईगो कोई घमंड नहीं है। तो वो सरलता की देवी को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको अच्छी पोइट्री लिखने के लिए इंस्पायर करे। बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टैंजा की तरफ। By all the honeyed store on Hybla's thymy shore, by all her blooms and mingled murmurs dear, by her whose lovelorn woe in evening musings slow, soothed sweetly sad Electra's poet's ear. इन लाइनों में हाइब्ला सिसिली का एक एंशियंट टाउन है जो कि अपने शहद के पौधों के लिए फेमस है और थाइमी उसी पौधे का नाम है। ब्लूम्स का मतलब है फूल, मर्मर्स का मतलब है सरसराहट या फिर कलकलाहट की आवाज, लव लोन वो का मतलब है प्रेम के दुखद गीत, म्यूसिंग्स का मतलब है चिंतन या फिर गहरी सोच में डूबा हुआ होना और सूदेड का मतलब है आराम पहुंचाना या फिर कंसोल करना। इलेक्ट्रास पोएट्स ईयर को हम अभी इन लाइनों के डिस्क्रिप्शन में समझते हैं। तो पोएट सिंप्लिसिटी को हनी की तरह एकदम मीठी मधुर सी मानता है जो कि हाइब्ला में पाया जाता है। हाइब्ला सिसिली का एक एंशियंट टाउन है। ये अपने हनी के स्टोर्स के लिए बहुत ही फेमस है। हनी हाइब्ला में थाइम नाम के एक पौधे से प्राप्त किया जाता है और इस शहर में ऐसे बहुत से पौधे हैं। यहाँ पर पोएट हाइब्ला सिटी के मधुर किनारे की कल्पना करता है और इसके मधुर किनारे पर सिंप्लिसिटी का आवाहन करता है जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और नदियां बहती हैं। नदियों के पानी की सरसराहट से एक सूदिंग म्यूजिक पैदा होता है। तो पोएट बेसिकली हाइब्ला सिटी की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर आगे पोएट सिंप्लिसिटी को नाइटिंगेल के रूप में पर्सोनिफाई करता है जिसके इवनिंग में गाए जाने वाले लव लॉन सॉन्ग्स यानी कि प्रेम के दुखद गीत इलेक्ट्रास पोएट
सोफोक्लीस को बहुत शांति देते हैं, उसे बहुत कंसोल करते हैं। इलेक्ट्रा एक दुखांत नाटक यानी कि एक ट्रेजिक ड्रामा है जिसे एंशियंट ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लीस ने लिखा था। सोफोक्लीस एक ट्रेजिडियन थे यानी वो सिर्फ ट्रेजिडीज ही लिखा करते थे। तो यहाँ पर पोएट सिंप्लिसिटी को नाइटिंगेल के रूप में प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि ये शाम को जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए अनचाहे प्रेम के गीत बहुत ही मधुरता के साथ में गाती है जो सोफोक्लीस के कानों को बहुत ही सुकून देते हैं। बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टैंजा की तरफ। बाय ओल्ड सेफिसस डीप हु स्प्रेड हिज वेवी स्वीप इन वाबल्ड वांडरिंग्स राउंड thy ग्रीन रिट्रीट ऑन हूज enameled साइड when holy freedom died, no equal haunt allured thy future feet. यहाँ पर सेफिसस एक रिवर है जो कि एथेंस के वेस्ट में बहती है। एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है। वाबल्ड का मतलब है कभी हाई पिच और कभी लो पिच के उतार चढ़ाव के साथ में गाना गाना। वांडरिंग्स का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। और ग्रीन रिट्रीट यहाँ पर होली ग्रीस के लिए यूज किया गया है जो कि सिंप्लिसिटी के लिए एक बहुत ही फेवरेबल एकांत स्थान आश्रय स्थल था। हॉल्ट का मतलब है कोई आश्रय या फिर कोई बसेरे की जगह जहां पर शरण ली जाती है। तो पोएट सेफिसस रिवर की बात करता है, यहाँ पर वो सिंप्लिसिटी की तुलना सेफिसस के साथ में करता है और कहता है कि सिंप्लिसिटी भी सेफिसस की धाराओं की तरह मधुर मधुर गीत गा रही है और अपने ग्रीन रिट्रीट यानी कि ग्रीस में भ्रमण करती रहती है। लेकिन जब होली ग्रीस पर विदेशी शक्तियों ने अटैक कर दिया था तो उसने अपनी फ्रीडम खो दी थी और सिंप्लिसिटी ग्रीस को छोड़कर रोम चली गई थी। लेकिन लास्ट लाइन में पोएट कहता है कि जो रिस्पेक्ट सिंप्लिसिटी को ग्रीस में मिलती थी वो आगे फ्यूचर में रोम में कभी नहीं मिली। इसीलिए पोएट यहां पर दुख एक्सप्रेस कर रहा है कि सिंप्लिसिटी ग्रीस छोड़कर रोम चली गई। चलते हैं अपने पांचवें स्टैंजा की तरफ। ओ सिस्टर मीक ऑफ ट्रूथ टू माय एडमायरिंग यूथ thy sober aid and native charms infuse the flowers that sweetest breathe though beauty culled the wreath still ask thy hand to range their ordered hues। यहाँ पर meek का मतलब है विनम्र, aid का मतलब है help, culled का मतलब है चुनना, माला बनाने के लिए फूलों को चुनना, रीत का मतलब है माला और आस्क दाय हैंड का मतलब है तुम्हारी मदद मांगना, ह्यूज का मतलब होता है रंग। तो इस स्टैंजा में पोएट सिंप्लिसिटी को ट्रुथ की मीक सिस्टर के रूप में दर्शाता है। इससे पोएट का मतलब है कि सच्चाई सिंपल पोएट्री के माध्यम से ही सामने आती है। तो पोएट अपनी यूथ के टाइम से सिंप्लिसिटी को बहुत एडमायर करता है और चाहता है कि सरलता की देवी उसे अच्छी कविताएं लिखने के लिए इंस्पायर करे, उसकी हेल्प करे ताकि पोएट की पोएट्री अपने मधुर शब्दों और सुरों के साथ में सबके दिलों पर राज कर सके। पोएट कहता है कि प्रकृति में जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं वो भले ही बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी खुशबू लिए हुए हैं, लेकिन उन्हें भी सरलता की देवी की हेल्प की जरूरत है खुद को खूबसूरत मालाओं में अरेंज करने के लिए, अपने आसपास के माहौल में मीठी मीठी खुशबू बिखेरने के लिए, उस माहौल को और भी सुंदर प्लेजेंट बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस पोयम का रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दे दूंगी, तो आप उसे वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।